मैं शाही दही बड़ा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने माश दाल और मूंग दाल को भिंगा के ग्रीन चिली और जिंजर के साथ ग्राइंड कर लिए हैं और अब हम इसको फेंट लेंगे। मैंने माश और मूंग दाल को बराबर बराबर लिया था, अब इसको फेंटेंगे जब तक कि ये हल्का होके उठ ना जाए। शाही दही बड़े में ड्राई फ्रूट्स डलाता है। इसको फेंटने के बाद मैं इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालूंगे। देख सकते हैं ये बहुत ही हल्का हो गया है। अब फिटा के इस तरीके का हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। मैं इसमें ये किशमिश और काजू काट के रखी हूँ, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। वन टीस्पून सॉल्ट है, नमक इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। दही बड़े का दाल फटा चुका है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। मैंने एक पैकेट में दाल को भर लिया है। और मैंने इसको इस तरीके से लंबा लंबा शेप में बना लिया है। इस तरीके से हम अपना दही बड़े का, शाही दही बड़े का बड़ा बना लेंगे लंबा लंबा शेप में। शाही दही बड़े पे इमली का चटनी डालने के लिए हमने इमली का पानी छान के निकाल लिया है इस तरीके से, और इसमें ये डालेंगे। 2 टीस्पून शुगर है, 1/2 टीस्पून लहसुन है, 3 कली था हमने इसको ग्रेट कर लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली है और 1/2 टीस्पून नमक है। 1/2 टीस्पून से कम है, कम 3/4 टीस्पून नमक है। ये सारे सामान हम इसमें डाल देंगे। इमली के पानी में ये 3 टेबल स्पून नींबू का जूस है, इसको भी इसमें डाल देंगे।
ने 1 teaspoon कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 चुटकी येलो कलर है, इसको हम पानी से घोल लेंगे। मैंने चूल्हे को जला लिया है गैस को, और इसमें ये कॉर्नफ्लोर का और कलर वाला पानी डाल देंगे। इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमने येलो कलर डाला है कि इसका कलर बहुत चमकीला हो चटनी का, ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी। गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं इमली की चटनी में ये शहद है 4 टेबल स्पून, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी चटनी बनी है इमली की, इसको हम शाही दही बड़े पे डालेंगे। सजाने के वक्त दही बड़ा सजाते वक्त उस पर डालेंगे इमली की ये चटनी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है चटनी। आप लोग इस तरीके से इमली का चटनी बनाएं। हमने शाही दही बड़े का बड़ा को पानी में, नमक पानी में भिंगा लिए हैं। अब इसका पानी निकाल निकाल के इस तरीके से इसको हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और पानी निकाल के ऐसे रखते जाएंगे। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके इसी तरीके से अपने सभी बड़े का पानी निकाल लेंगे। बड़ा से पानी हल्का हल्का प्रेस करके निकाल लेंगे और एक ट्रे में रख लेंगे। शाही दही बड़े का बड़ा में डालने के लिए हमने 1 kg दही लिया है गाढ़ा वाला, ये खट्टा वाला नहीं है, नॉर्मल दही है। और इसमें हम ये सामान डालेंगे, शुगर है 5 टेबल स्पून, 1/2 teaspoon काला नमक है, 1/2 teaspoon वाइट नमक है। ये सामान हम दही में डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। दही को ब्लेंड कर लेंगे बराबर। शाही दही बड़ा बनाने के लिए हमने दही को यहाँ फेंट लिया है इस तरीके का। और ये ड्राई फ्रूट्स है, ऑलमंड्स है और काजू है, इसको हमने काटा है इस तरीके से। और इमली का चटनी है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। इसी तरीके का इमली का चटनी चाहिए हमें। रेड चिली पाउडर है, इसको हमने भून लिया है, और क्यूमिन पाउडर है, इसको भी हमने भून के रखा है। बड़ा को हमने सजा लिया है एक पॉट में इस तरीके से। पहले हम दही को बड़े के ऊपर डालेंगे। Thank you.
अच्छे से कवर कर लेंगे। अंबड़ा के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सब तरफ फैला लेंगे ड्राई फ्रूट्स को। इमली का चटनी है, इसको हम डालेंगे। आप जिस तरीके से भी डालना चाहें, सजाना चाहें, उस तरीके से इमली का चटनी सजा सकते हैं। हम इस तरीके से डाल रहे हैं। रेड चिली पाउडर डालेंगे भुना हुआ, और जीरा पाउडर डालेंगे। शाही दही बड़ा बनके तैयार हो गया है। हमने सजा लिया है शाही दही बड़े को। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है। आप लोग इस तरीके से बनाएं शाही दही बड़ा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।